हेलो स्टूडेंट टुडे वी लर्न लर्न अवर ग्रामर लेसन इट्स नेम इज सेंटेंसेस लेट्स व्हाट इज मीन बाय सेंटेंसेस अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक कंप्लीट सेंस इज कॉल सेंटेंस दिस ग्रुप ऑफ मेनी वर्ड्स इट मेक्स कंप्लीट सेंस मीन्स ऐसे ग्रुप का वर्ड का ग्रुप जो कि उसका एक कंप्लीट सेंस लगता है उसका एक मीनिंग लगता है इट्स कॉल सेंटेंस उसको ही हम सेंटेंस कहते हैं इट्स कॉल्ड इन मराठी वाक्य और सेंटेंसेस ऑलवेज सेंटेंस है ये कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं बिगिन विथ कैपिटल लेटर सेंटेंस हमेशा कैपिटल लेटर में स्टार्ट uh, होता है जैसे यहाँ पे दिया है वी लव फ्लावर्स हैज़ अ वर्ब और उसमें एक वर्ब रहता है जो कि एक्टिविटी दर्शाने वाला वर्ड है एक्टिव वर्ब है जैसे गो कम डांस रीड राइट लाइक दैट तो वी वॉन्ट फॉरेस्ट हमें फॉरेस्ट चाहिए यहाँ पे वॉन्ट ये वर्ब आया है तो इस तरह से सेंटेंस जो है वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है और उसमें एक वर्ब रहता है और उसका कंप्लीट सेंस लगता है इट्स कॉल्ड सेंटेंसेस और उसको मराठी में बोलते हैं वाक्य देखो यहाँ पे क्वेश्चन ये दिया है जॉइन वर्ड्स थ्री कॉलम्स करेक्ट करेक्टली टू फ्राम सेंटेंसेस मीनिंगफुल सेंटेंस बनाने के लिए यहाँ पर मैच द पेयर लगाई है और उसका एक कम्प्लीट सेंटेंस बनाया है देखो हम यहाँ पर सेकेंड एग्जाम्पल देखेंगे डू यू नो क्या आपको पता है दैट बीज बीच जो है मेक हनी क्या आपको पता है बीच जो है वो हनी बनाते हैं क्वेश्चन पूछा है और क्वेश्चन मार्क बताया है इसका एक कम्प्लीट सेंस लग रहा है इसे भी हम सेंटेंस कह सकते हैं सेकेंड देर आर फोर काइंड ऑफ वर्ड सो काइंड ऑफ सेंटेंसेस सेंटेंसेस के कुछ प्रकार होते हैं वो हम देखेंगे उसमें फर्स्ट है स्टेटमेंट स्टेटमेंट मीन्स क्या होता है द बेबी इज स्माइलिंग बेबी स्माइलिंग कर रही है सच अ सेंटेंस टेल अस समिंग एंड इट कॉल डिक्लेरेटिव सेंटेंस इट एंड अ फुल स्टॉप अभी इसको इस सिंपल सेंटेंस को आज अभी हम सेंटेंस के टाइप्स देखेंगे उसमें फर्स्ट है स्टेटमेंट एक सिंपल सेंटेंस रहता है जिसका पॉजिटिव आंसर रहता है उसको हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहते हैं सिंपल वाक्य या सिंपल सेंटेंस उसको हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहते हैं और उसका एंड जो है वो फुल स्टॉप से होता है जैसे यहाँ पे दिया है द बेबी इज स्माइलिंग यहाँ पे देखो फुल स्टॉप है इट इज़ डिक्लेरेटिव सेंटेंस अभी क्वेश्चन इज़ द बेबी स्माइलिंग क्या बेबी स्माइलिंग कर रही है क्वेश्चन पूछा है क्वेश्चन मार्क है ये बहुत ही आसान है आइडेंटिफाई करने में सच अ सेंटेंस आज समथिंग एंड इस कॉल द इंट्रॉगेटिव सेंटेंस या प्रश्नार्थ वाक्य जिसको हम मराठी में बोलते हैं इट्स कॉल इन इंग्लिश इंट्रॉगेटिव सेंटेंस मीन्स क्वेश्चन मार्क जहाँ पे रहता है जहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है या क्वेश्चन मार्क है वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस रहता है डिक्लेरेटिव में फुल स्टॉप रहता है रिक्वेस्ट और एन ऑर्डर प्लीज़ ड्रॉ अ ट्री तुम ट्री निकालो ड्रॉ अ एलियन एलियन निकालो सच ए सेंटेंस मेक से रिक्वेस्ट और गिव कमांड्स ऐसे सेंटेंस जो कि रिक्वेस्ट करते हैं और किसी को कुछ ऑर्डर देते हैं कमांड देते हैं इस कॉल एन इम्पेरेटिव सेंटेंस उसको हम इम्पेरेटिव सेंटेंस कहते हैं उसको मराठी में बोलते हैं आज्ञार्थी वाक्य अगर हम हमने किसी को ऑर्डर दिया काम बताया तो उसको हम रिक्वेस्ट वाला सेंटेंस इट मीन्स इम्पेरेटिव सेंटेंस कहते हैं जैसे गो देयर वहाँ पे जाओ कम हियर इधर आओ लाइक like दैट अगर हमने किसी को कमांड दी या ऑर्डर दिया, दिया उस सेंटेंस को हम इम्पेरेटिव सेंटेंस कहते हैं एंड इट एंड विद द फुल स्टॉप और उसको फुल स्टॉप से उसका एंड होता है रिस्पॉन्स टू फेयर एक्साइटमेंट एंगर एक्साइटली एंड सो ऑन अगर हमें बहुत ज़्यादा सरप्राइज हुआ एक्साइटमेंट हुई तो हम बहुत ही एक्साइटली बोलते हैं आई थिंक आई सॉ एन एलियन मुझे ऐसा लगता है मैंने बहुत बड़ा एलियन दिखा यहाँ पे एक्सलामेशन मार्क है तो सच द सेंटेंस एक्सप्रेस द स्ट्रॉन्ग फीलिंग इज कॉल्ड मीनस अचानक से हमारे सामने कुछ आ जाता है और हमारे मुंह से जो वर्ड्स निकलते हैं जब हम बहुत ही एक्साइटेड होते हैं तब वो सेंटेंस जो है वो एक्सलामेटरी सेंटेंस रहता है इट एंड्स विथ एक्सलामेशन मार्क और उसका एंड जो है ये एक्सलामेशन मार्क से होता है ये देखो ये एक्सलामेशन मार्क है तो इस तरह से ये सेंटेंस हमें आइडेंटिफाई करने है क्वेश्चन भी जो है वो पूरा ऐसे ही दिया है देखो यहाँ पे सिंपल सेंटेंस है आपको स्टॉप है तो डी यानी डिक्लेरेटिव आई एन इंट्रोगेटिव आई एम इम्पेरेटिव के लिए और इस्लामेटरी के लिए ई लिखना है ऐसे तुमको ये सेंटेंसेस पढ़ने हैं और उसको समझता है थैंक यू